किसी गांव में एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे, बहुत प्यारे महात्मा। उनके पास में ना एक शिष्य आया, गुरुजी 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 हम आपको एक गाय देना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है भैया दे दो। महात्मा को गाय दी। महात्मा बोले बड़ी भगवान की कृपा, अब तो ठाकुर जी को नित्य भोग लगेगा रबड़ी का, रोज बढ़िया खीर बनेगी, तस्मई बढ़ेगी, बढ़िया दही बनेगा, बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी बड़े प्रसन्न, चेला भी बड़ा प्रसन्न। लेकिन एक दो महीने बाद ना जिस शिष्य ने गाय दी थी वो वापस ले गया। चेला मुंह लटका के खड़ा हो गया, गुरुजी अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? बढ़िया बढ़िया दूध निकल रहा था, बढ़िया रोज हम लोग रस मलाई पा रहे थे, रोज बढ़िया मक्खन खा रहे थे, घी खा रहे थे। वो ना वो जो चेला ने गाय दी थी बड़ा बड़ा कंजूस निकला, वापस ले गए। महात्मा बोले भगवान की बड़ी कृपा। महाराज इसमें क्या कृपा? जब आई थी तब तो आप बड़ा प्रसन्न हो रहे थे, उसमें भी आप कह रहे थे भगवान की बड़ी कृपा, रबड़ी बनेगी, तस्मई बनेगी, दही होगा, दूध होगा, प्रसाद लगेगा, आनंद आएगा, रसमलाई बनेगी। अब भी अब गाय चली गई तो अब इसमें क्या कृपा है? महात्मा बोले भैया जब तक गाय माता थी ना तब तक भगवान की बड़ी कृपा, कम से कम प्रसाद लग रहा था, अब गाय माता चली गई तो और ठीक रहा, और बढ़िया रहा। बोले क्यों? बोले कम से कम गोबर उठाने का झंझट खत्म, भूसा की टेंशन फ्री। कौन उठाए गोबर, कौन व्यवस्था करे? इसका मतलब हैप्पीनेस लाइफ। इस सूत्र का मतलब है आप मुस्कुराते रहो। और अगर आप चाहते हो कि हम मुस्कुराते रहें, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कोई सैड मूवमेंट ना आवे, आप चाहे तो आपकी जिंदगी में कोई डिप्रेशन का मूवमेंट ना आवे, आप चाहे तो कि आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस लाइफ ना हो, स्ट्रेस मूवमेंट ना हो, आज की कथा हमारी भगवान कृष्ण की सुन करके जाना, हमारे ठाकुर से सीख करके जाना। हमारे कन्हैया पूरी भागवत में सिर्फ मुस्कुराना सिखाते। क्या सिखाते हैं बोलो ना? हमारे ठाकुर जी सिर्फ मुस्कुराना सिखाते हैं। ठाकुर जी का अवतार कहां हुआ बोलो ना? कहां हुआ? मथुरा में। भगवान ने जब अवतार लिया तब भी भगवान मुस्कुराए, लेकिन अवतार मथुरा में हुआ, बधैया कहां कभी बोलो? गोकुल में। तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए, लेकिन फिर भी गोकुल भी नहीं टिके वो, कुछ दिनों बाद वृंदावन आ गए, तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। अब वृंदावन में भी ज्यादा दिन नहीं चुके, 11 साल तक मात्र वृंदावन में रहे और फिर वृंदावन छोड़कर के मथुरा आ गए, तब भी हमारे ठाकुर जी यशोदा मैया से दूर हुए, तब भी ठाकुर जी गोपियों से दूर हुए, तब भी ठाकुर जी गोप ग्वालों से दूर हुए, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। अब वृंदावन में आए तो युद्ध हुआ, 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, तब भी हमारे ठाकुर जी सांदीपनी आश्रम में पढ़ने गए, तब भी हमारे ठाकुर जी सुदामा से मित्रता की, तब भी हमारे ठाकुर जी द्वारका के राजा बने, तब भी हमारे ठाकुर जी और महाराज 16,108 विवाह किए, तब भी ठाकुर जी और यहां तक कि अपने ही परिवार को आपस में लड़वा करके अपनी ही आंखों के सामने पूरे परिवार का विनाश किया, तब भी हमारे ठाकुर जी। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कहना चाहते परिस्थितियां कोई भी हो, व्यक्ति को मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए, वही उत्कृष्ट व्यक्ति है, वही कौन है? अगर आप मुस्कुराती हुई जिंदगी को जीना चाहते हो ना, तो परमात्मा से प्रेम बिना शर्त के करें। प्रेम में कोई शर्त नहीं है।